Hello guys, welcome to our channel KV Academy in search of incredibles. In this channel we deal with all Assam competitive exams, general science and general knowledge question, and in this video we give the special emphasis on Assam Agriculture Department 2021. Aur is video mein maine previous year questions, most expected paper aur best analyzed content aapke liye laya hai. और आगे भी मैंने प्रीवियसली बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के लिए, जो असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2021 और बाकी सभी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके चैनल के सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा. तो आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए नॉर्मल हेल्थी मैन The quantity of blood is about, एक normal healthy man में quantity of blood कितना होता है पूछा गया है. तो पहला ऑप्शन है आपका 3 लीटर, बी इज 4 लीटर, सी इज 5 लीटर एंड डी इज 6 लीटर. तो आपको पता होना चाहिए कि एक normal healthy man में जो blood का quantity होता है वो आपका approximately 4.5 से, या आपका approximately 4.5 से आपका 5.5 तक होता है. ठीक है, तो इस ऑप्शन, इन ऑप्शंस के बीच में ये किस रेंज में आ रहा है आपको वो देखना है. तो 4.5 से आपको ध्यान रखना है कि ये 5.5 के बीच होता है. तो इसका सही आंसर होगा 5 लीटर, जो कि इस रेंज के अंदर आ रहा है. इस इतने ही लीटर के रेंज के अंदर ही आता है, आपको ध्यान रखना है ये लीटर में होता है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, Which part of the body gets affected in pleurisy? ठीक है, ये pleurisy एक डिजीज है जिसमें किस पार्ट को अफेक्ट होता है, ठीक है, बॉडी का किस पार्ट को. तो पहला ऑप्शन है joints, second is lungs, third is liver and the fourth is throat. तो आपको पता होना चाहिए जो pleurisy है उसमें आपका lungs को affect, वो आपका lungs को affect करता है और इसमें आपका chest pain होता है. तो आपको पता ही, जैसे कि नाम से ही पता चल गया कि अगर इसमें चेस्ट पेन होता है तो वो किसको अफेक्ट करेगा, तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा. इसमें क्या होता है आपका, तो आपका चेस्ट पेन होता है. आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें आपका चेस्ट पेन होता है, तो ये आपका लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सप्लीमेंट्स कंटेनिंग Which of the following metals are generally prescribed for person suffering from anemia? तो anemia से जो suffer करता है उसे किस तरह का supplement दिया जाता है, उस patient को किस तरह का supplement दिया जाता है. तो पहला option है calcium, second is iron, third is gold and the fourth is magnesium. तो आपको पता होना चाहिए anemia से जो suffer करता है उसको हम iron देते हैं, ठीक है, iron supplement उन्हें दिया जाता है. Next question is क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इनमें से कौन किसमें सिल्वर नहीं होता, कौन सिल्वर कंटेन नहीं करता. तो पहला ऑप्शन है हॉर्न सिल्वर, सेकेंड इज रूबी सिल्वर, थर्ड इज जर्मन सिल्वर एंड द फोर्थ इज लूनर कॉस्टिक. तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज खाते हैं कि सिल्वर तीनों में है तो सिल्वर इसमें होगा और लूनर कॉस्टर को टिक लगा के आते हैं. तो पहले ही मैं यहाँ कर दूं कि ये रॉन्ग आंसर है, लूनर कॉस्टिक नहीं होगा. इसमें आपको ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर इसका सही आंसर है. जर्मन सिल्वर में सिल्वर जरूर लिखा होता है लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है, इसके अंदर सिल्वर का कोई कंटेंट नहीं होता. तो फोर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, पीएच ऑफ वाटर इज, तो पीएच ऑफ वाटर क्या होता है. आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपका लिक्विड होता है अगर वो 7 से कम हो तो पीएच स्केल में हम देखते हैं कि वो आपका एसिडिक होता है. ठीक है, कोई भी चीज जो आपका 7 से कम पीएच रखता हो वो आपका क्या होता है, एसिडिक. मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ तो आपको ध्यान रखना है वो होता है एसिडिक. और जो आपका इक्वल टू 7 होता है, जो आपका इक्वल टू 7 होता है वो आपका होता है न्यूट्रल. आपको ध्यान रखना है वो आपका होता है न्यूट्रल. मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, वो आपका होता है न्यूट्रल, आपको ये भी ध्यान रखना है. और आपका थर्ड होता है जो भी ग्रेटर देन 7 होता है, जिसका भी पीएच आपका ग्रेटर देन 7 होता है वो आपका होता है बेसिक. और पीएच के स्केल का बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीएच का स्केल कहाँ तक होता है, तो वो लास्ट आपके 14 तक होता है. ठीक है, पीएच का स्केल जो होता है वो आपका 0 टू
14 तक होता है, आपको ध्यान रखना है, 0 से शुरू होता है और ये 14 तक जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपको पता है कि पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वाटर का पीएच क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वाटर का पीएच इस क्वेश्चन के लिए वाटर का पीएच होगा 7, तो आपको रीजन पता होना चाहिए क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेडोन इज, रेडोन क्या है? तो रेडोन इज जर्मन रेडियो, या इनर्ट गैस, या आर्टिफिशियल फायर फाइबर, और ऑप्शन नंबर डी एन एक्सप्लोसिव। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रेडोन होता है आपका एक इनर्ट गैस, आपको ध्यान में रखना है रेडोन इज ए इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो क्या कंटेन करता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटोन, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, एंड फोर्थ इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। इट इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो होता है, उसके बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के बाहर में ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा चक्कर लगाता है, रिवॉल्व होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर में ही चक्कर लगाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। और जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको कि इसके अंदर जो होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो आपका प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में आपको दो चीज ही पाया जाता है, दैट इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट मतलब लेयर में चक्कर लगाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, नेचुरल रबर, रबर इज ए पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम, तो नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, मतलब नेचुरल रबर किससे बनता है? तो पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन, सेकेंड इज इथाइलिन, थर्ड इज प्रोपाइलिन, एंड द फोर्थ इज ब्यूटेडिन। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, तो इसका जो मोनोमर होता है, जो इस जिससे ये बनता है, वो आपका होता है आइसोमर। आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा आइसो, आइसोमर नहीं आइसोप्रीन। आपको ध्यान रखना है आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, कभी कभी मोनोमर नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय, पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था आपको पूछा जाए। फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन डेल्टन, सेकेंड इज ई रदरफोर्ड, थर्ड इज डी ब्रोगली, एंड द फोर्थ इज मेंडेलीव। तो पहला जो एटॉमिक थ्योरी है वो आपका जॉन डाल्टन ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल, अगर हम ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करें तो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है इथानॉल, सेकेंड इज ग्लाइकोल, थर्ड इज एसिटिक एसिड, एंड द फोर्थ इज ग्लाइसेरोल। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सब्सटेंस निकलता है उसका नाम है ग्लाइसेरोल, ग्लाइसेरोल, और प्लस आपका और एक सब्सटेंस निकलता है वो भी आप ध्यान रखिए, वो भी ऑप्शन में होता तो सही होता, तो आपका वो होगा सेकेंड वाला का नाम है आपका ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड। आपको ये भी नाम याद रखना है क्या, ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में अगर आए तो वो सही है, ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मर्कुरी, सेकेंड इज कॉपर, थर्ड इज एल्यूमिनियम, एंड द फोर्थ इज लिथियम। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का? बेस्ट कंडक्टर मतलब कि जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो पहला ऑप्शन है आयरन, सेकेंड इज कॉपर, थर्ड इज सिल्वर, एंड द फोर्थ इज एल्यूमिनियम। तो सिल्वर आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, सिल्वर आपका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन में सिल्वर आपका सबसे बेस्ट है, तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता, अगर ऑप्शन में आपका सिल्वर नहीं होता तो सेकेंड में
आप प्रीफरेंस देंगे कॉपर को, आपको ध्यान रखना है सेकंड में आप प्रीफरेंस देंगे कॉपर को। अगर सिल्वर नहीं होता तो आप आंसर देते कॉपर, क्योंकि कॉपर इज द सेकंड प्रीफरेंस फॉर द बेस्ट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कंटेन, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में क्या बॉन्ड होता है आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पोलर बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड इज आयोनिक बॉन्ड एंड द फोर्थ इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में। होमो न्यूक्लियर का मतलब जहां सेम सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेम सेम एलिमेंट मतलब इसका एग्जाम्पल है आपका N2 या फिर O2, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दिस आर द एग्जाम्पल, दिस आर द एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर इसकी जगह आपको हेटेरो पूछा होता, इसकी जगह आपको अगर हेटेरो पूछा होता, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी जगह आपको हेटेरो पूछा होता, हेटेरो न्यूक्लियर आपको अगर पूछा होता तो आप क्या, तो इसमें से आपका कौन सा बॉन्ड होता। हेटेरो न्यूक्लियर के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा आपका पोलर बॉन्ड, ठीक है। हेटेरो न्यूक्लियर के लिए आपका सही आंसर होगा पोलर बॉन्ड। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ एरो के जरिए, ठीक है। हेट्रो न्यूक्लियर अगर कहा होता तो आपका होता पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होता है, तो पोलर बॉन्ड का एग्जाम्पल है वाटर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोलर आयन बनाते हैं और फॉर्म होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन आपका O2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका एग्जाम्पल होगा किसका, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा हेट्रोन्यूक्लियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाई आर नोबेल मेटल सो नेम, नोबेल मेटल नाम क्यों दिया गया है नोबेल मेटल्स को, ठीक है। बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, दे आर जनरली रेजिस्टेंस टू कोरोजियन एंड ऑक्सीडेशन, या फिर बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड इन द अर्थ, या फिर दे आर मोर मेलेबल एंड डक्टाइल देन अदर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है कोरोजन और ऑक्सीडेशन को। ये आपका जो नोबेल मेटल है वो आपका कोरोजन और ऑक्सीडेशन से रेजिस्ट करता है, मतलब ये कभी कोरोड नहीं होता और ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मेटल आपका गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला ऑप्शन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा इसका सही आंसर, दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल, एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, थर्ड इज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर डक्टाइल। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होना बहुत जरूरी है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दिस इज द बेसिक नॉलेज। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, और भी आप अगर कॉमर्स से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आप ध्यान रखिए, बस ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, ये वर्ड को ध्यान रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच टिश्यू हैव हैवीली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स, किस टिश्यू में बहुत थिक लिग्निफाइड वॉल होता है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, सेकेंड इज स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड इज एरेन्काइमा एंड फोर्थ इज कोलेन्काइमा। तो आपको ध्यान रखना है स्क्लेरेन्काइमा का थिक आपका लिग्निफाइड वॉल होता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बायोलॉजी का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। नंबर 17, एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंट लेग्स, किस एनिमल का जो फाइलम होता है उसके जॉइंट्स जॉइंट लेग्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मोलस्क का, सेकेंड इज इक्नोडर्माटा, थर्ड इज नेमाटोडा नेमाटोडा एंड फोर्थ इज आर्थ्रोपोडा। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, नॉर्मल एयर प्रेशर क्या होता है सी लेवल पे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1100.12 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 886.13 मिलीबार्स एंड 996.13 मिलीबार्स। आपको ध्यान रखना है 101 3.25 मिलीबार इसका सही आंसर होता है, या फिर अगर आप
आपको इस तरीके से भी दिया हो तो सही होगा, 1.01, 1.013 भी अगर आपको दिया हो, 1.013 बार भी अगर बोला हो, ठीक है, वन के बाद अगर पॉइंट लगा हो तो ये आपका बार में भी दिया हो सकता है, तो बार में होगा आपका 1.013 बार्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिली बार में दिया था तो आपका 1.013.25 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या है। तो पहला है C5H10, सेकेंड इज C4H10, थर्ड इज C4H8 एंड द फोर्थ इज C4H6। आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा C4H10, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है या फिर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CN, आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला होता है CN H2N plus H2N plus 2, ठीक है। तो ब्यूटेन, जो ब्यूट हम लिखते हैं वो फोर के लिए लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एन इक्वल टू फोर करें, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा C4 और H10, ठीक है। आपको जैसे कि फॉर्मूला से दिख रहा होगा ये बन जाएगा आपका C4H10, ठीक है। ये ब्यूटेन का आपका क्या, ये आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 के लिए चाहिए प्रोपेन, 2 के लिए चाहिए तो इथेन, कुछ भी निकल सकता है यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पीरियड ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वाज, सेकेंड फाइव ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था। तो ये तो आपका 51 से 56 तक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हुआ था, आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट था। तो अगर ये फर्स्ट था तो 56 से 61 तक आपका सेकेंड होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन से ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये 56 से 61 आपका सेकेंड फाइव ईयर प्लान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड द मेंटल, कौन सा जोन आपका जो है क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है। पहला ऑप्शन है लिथोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज एथेनोस्फेयर एंड द फोर्थ इज मोहो। तो इसका सही आंसर होगा मोहो। मोहो आपका जो क्रस्ट है और मेंटल को सेपरेट करता है, अलग करता है, आपको पता रखना है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नंबर 22, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडियन ओशियन सुनामी इन 2004, इंडियन ओशियन सुनामी जो आई थी 2004 में उसका मैग्नीट्यूड कितना था। तो ये जनरली आपका होता है 9.1 से अप्रोक्स, या जनरली आपका होता है 9.1 से 9.3 के बीच, ठीक है, 9.1 से 9.3 के बीच ये आपका अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये किसके किसके अंडर आ रहा है, तो ये आपके 9.2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 9.1 से और 9.3 के बीच आपका एक ही वैल्यू है जो कि 9.2 है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ एफेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन मिलियन, मिलियंस में कौन सा डिस्टेंस होगा अर्थ और सन के बीच। तो ये आपका 152 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड इज 137 किलोमीटर, थर्ड इज 142 किलोमीटर एंड द फोर्थ इज 147 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा 152 किलोमीटर, और ये मिलियंस में है, मतलब 152 मिलियन किलोमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन टू पॉल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटीज विच विथ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स चलने के कारण किस एयर में पॉल्यूशन जो होता है बिग सिटीज में किस एलिमेंट के कारण या किस मेटल के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है लीड, सेकेंड इज क्रोमियम, थर्ड इज आयरन और फोर्थ इज कॉपर। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो क्रोमियम होगा। अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं है तो लीड से भी होता है, लेकिन लीड को हम सेकेंड प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है, लीड को हम सेकेंड प्रीफरेंस देते हैं। लीड भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन लीड को हम यहाँ पे आपका सेकेंड सेकेंड प्रीफरेंस देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बता रहा हूँ कि लीड को आपका सेकेंड प्रीफरेंस देते हैं और क्रोमियम इज द फर्स्ट वन टू गिव द प्रीफरेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लीड इज गिवन द सेकेंड प्रीफरेंस, ठीक है। तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लीड आएगा और क्रोमियम साथ में रहेगा, तो आप क्रोमियम टिक करेंगे, लेकिन अगर आपका क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है तो प्रीफरेंस आप देंगे लीड को। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टीन? टीन का सिंबल क्या है? टी आई, एस एन, पी बी या फिर एस आई? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टी आई भी बहुत लोग टिक करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर एस एन होता है। टीन का सही सिंबल होता है एस एन, आपको ध्यान रखना है। तो आज का ये आपका 25 बेस्ट एनालाइज कंटेंट था आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे तरीके से मेरे सारे जितने भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के वीडियोज़ हैं उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अभी कोरोना का थोड़ा टफ टाइम है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपका एग्जाम जरूर होगा। और कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू गाइस।